हाँ प्रिय शिष्यों नमस्कार संस्कृता। मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11 विषय संस्कृत और प्रकरण हमारा रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग का श्लोक संख्या 9, 10, 11, 12। मैंने पूर्व के दो वीडियो में श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ा दिया था और फिर 9वें को पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और मैं जब इसका पाठ करूँगा तो आप लोग भी किताब से इसका पाठ दोहराइएगा, क्योंकि याद रहेगा तब बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं कालिदास जी कि इस श्लोक 9वें का प्रसंग क्या है कि वन में जब राजा दिलीप जाते हैं तो उनका वन के वृक्ष और पक्षी आदि सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं यही इसमें लिखा है। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमा पाशभृता समस्य उदीरयामाशुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां गिरावैः। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशवृता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमा उन्मदानाम वयसाम वीररावय आलोक शब्दम उदीरिया मासुरीव। विसृष्ट पार्श्वानुसरस्य नुचरस्य यानी जिसके या जिसने अपने निकटवर्ती नौकर चाकर सेवकों को छोड़ दिया था उसके पार्श्वद्रुमा माने अगल बगल जो पेड़ हैं अगल बगल के उसके लिए, और पाशभृता समस्य माने अरुण के समान, क्षमा कीजिएगा वरुण के समान उस राजा का, उन्मदानाम माने मतवाले, वयसाम माने पक्षियों के, वीर रावय मने शब्दों के द्वारा, आलोक शब्दम मने जय ऐसे शब्द, उदिर या मासु मने उच्चारण करते थे। अब इसका हिंदी अर्थ समझिए। पार्श्वानुचरस्य अगल बगल के सेवकों को विदा कर देने वाले राजा दिलीप तथा अरुण के समान प्रभावशाली उस राजा के आसपास के जो वृक्ष थे उन वृक्षों ने उन्मत्त पक्षियों के शब्दों के द्वारा मानो राजा का जयघोष का उच्चारण किया। जैसे राजा लोग कहीं होते हैं तो उनके पार्षद लोग, उनके आसपास के लोग उनका जयकार लगाते हैं। जैसे आप लोग रामायण इत्यादि महाभारत वगैरह में देखे होंगे, जैसे लंका का राजा रावण जो है जब चलता था तो लंकापति रावण की एक व्यक्ति बोलता था, दूसरा कहता था जय। तो उसी तरह से भगवान रामचंद्र जी भी थे तो उनका भी अयोध्यापति श्री राम की जय ऐसे लोग कहते हैं। तो ये राम के ही कुल के थे और उनके पूर्वज थे राम के राजा दिलीप, तो इनका स्वागत, इनके जयघोष का वर्णन, राजा दिलीप के जयघोष को बता रहे हैं कि जो अगल बगल उनके वृक्ष थे वो पक्षियों के कलरव के शब्दों के साथ मानो वो जो है उनका जयघोष कर रहे हैं। अब अगला 10वां श्लोक है। यहाँ पे राजा द्वारा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, राजा पर जो है लताओं के द्वारा पुष्प वर्षा किए जाने का वर्णन है।
क्या कहते हैं कि मरुत प्रयोक्ताश्च मरुत सखाभम तमर च माराद विवर्तमानम अवाकिरण बाललताः प्रशूनैः आचार लाजैरिव पौर कन्या। इसका अन्वय देखते हैं, मरुत प्रयुक्ता बाल लता मरुत सखाभम आचारात अभिवर्तमानम आचार्यम तम अर्चयम तम प्रसूनय पौर कन्या आचार लाजैव इव अवाकिरण। शब्दार्थ इसका देख लीजिए, मरुत सखा माने होता है वायु के मित्र, अग्नि के समान कांति वाले को कहते हैं। अब मरुत प्रयुक्ता माने हवाओं के कारण हिलती हुई, बाल लता माने छोटी छोटी कोमल लताएं, अर्चम माने पूजा योग्य, अभिवर्तमानम माने उपस्थित, पौर कन्या माने नगर की कन्याएं, आचार लाजई इसका अर्थ यह है कि मंगल के लिए फेंके जाने वाले लावे को कहते हैं आचार लाजई। और जब कोई राजा अथवा कोई महान व्यक्ति किसी नगर में प्रवेश करता है तो नगर की कन्याएं भूजे हुए धान के लावे से उसका स्वागत करने के लिए उसके ऊपर फेंकती हैं। इस प्रकार लताओं के द्वारा भी राजा दिलीप के स्वागत के लिए उसी प्रकार फूल गिराया जा रहा था, मानो राजा के स्वागत के लिए लता रूपी पौर कन्याएं पुष्प रूपी लावे की वर्षा कर रही हैं। अब इसको हिंदी अनुवाद इसका सुन लेते हैं। कहते हैं कि वायु से हिलती हुई छोटी छोटी लताओं ने अग्नि तुल्य तेजस्वी समीप में स्थित उस पूज्य राजा दिलीप के ऊपर इस प्रकार फूलों की मानो वर्षा की, जैसे नगर की वासियों की कन्याएं मंगल के लिए धान के लावों की वर्षा करती थीं। आगे श्लोक संख्या 11 क्या लिखते हैं कि वन में हिरणिया निशंक भाव से, हिरणिया माने हिरणे निशंक भाव से राजा को निहार रही हैं। कहते हैं कि धनुर्वृतो अपि अस्य दयार्दे भावम्, धनुर्वृतोऽप्यस्य दयार्द भावम् आख्यातमन्तकिरणैर्विशङ्कै विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षमाणम् प्रकामविस्तारफलम् हरिण्यः। इसका अन्वय क्या होगा कि धनुर्वृत अपि अस्य विसंकय अंतःकरणय दयार्दभावम् आख्यातम् वपु विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्षणां प्रकाम विस्तारम् आपु। अब इसका शब्दार्थ देख लीजिए, धनुर्वृत माने धनुष को धारण करने वाले, अस्य माने राजा का, विसंकय माने निडर होकर के बिना शंका के, अंतःकरणय माने चित्त से, दयार्द भावम माने दया है जिसके या दया से जिसका भाव कोमल है, आख्यातम माने बताया गया, उन हरिणियों के निर्भय चित्त से यह बताया कि इसका शरीर दया से परिपूर्ण है, वपु माने शरीर, विलोकयंत माने देखती हुई, हरिण्य माने हरिणिया, अक्षणाम प्रकाम विस्तारम मने आँखों के बड़े होने का फल आपू मने पाया।
क्षमा कीजिएगा, थोड़ा आगे देखते हैं। अब इसका हिंदी अर्थ आप लोग देख लीजिए, राजा दिलीप ने धनुष धारण किया था फिर भी उनके हृदय में दया का भाव था, दयायुक्त भाव को हिरणियों ने जान लिया और वे निर्भय होकर के उनके शरीर को देख रही थी। इस प्रकार उनके शरीर को देखते हुए हिरणियों ने मानो अपने बड़ी बड़ी आँखों के होने का फल प्राप्त कर लिया हो। इसी के साथ अगला क्रम है 12वें श्लोक का, श्लोक नंबर 12। वन देवताओं द्वारा राजा के यशोगान किए जाने का वर्णन इसमें है। कहते हैं सखी चकई मारुत पूर्ण रंध्रैः कुजद्भिपारा पातित वंशकृत्यम्। सुश्राव कुंजे सुयस स्वमुच्चैः उदगीयमानं वन देवताभि। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। सह मारुत पूर्ण रंध्रय, क्षमा कीजिएगा, सह मारुत पूर्ण रंध्र कुजद भी कीचकई आपादित वंशकृत्यम कूजेशु वन देवता भी उच्चय गीयमानम स्वम यश सुश्राव। कहते हैं कि इसका सब हिंदी अर्थ समझ लीजिए शब्दार्थ का, मारुत पूर्ण रंध्रय माने हवा से भरे हुए बांस के छिद्र, कीचकई माने कीचक एक प्रकार का बांस है जो हवा से हिलने पर शब्द करता है, कुजद भी माने आवाज करते हुए, आपादित वंश कृत्यम माने जिसमें वीणा का काम कीचकों के द्वारा किया जा रहा है, कीचकों के छेदों में हवा भर जाने से वह मानो बांसुरी की तरह बज रही है, वे शब्द कर रहे हैं और उनका शब्द ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह जो है बांसुरी की तरह आवाज़ कर रही हैं। वन देवता भी माने वन देवताओं से, उदगीय माने माने गाता जाता गाया जाता हुआ, सुश्राव माने सुना। उस राजा ने, अब इसका हिंदी अनुवाद सुन लीजिए, उस राजा ने शब्द करते हुए कीचक संज्ञक बांसों के द्वारा जो हवाओं के कारण बंसी का काम कर रहे थे, बांसुरी का काम कर रहे थे, लतागृहों में वन देवताओं के द्वारा, लतागृहों में वन देवताओं के द्वारा ऊंचे स्वर से गाए जाते हुए अपने यश गान को मानो सुना। यानी राजा दिलीप ने हवाओं के द्वारा कीचक रूपी बांस के, जो कीचक नामक एक विशेष प्रकार का बांस होता है, उस बांस में हवाएं जब गुजरती हैं तो वो बांसुरी की तरह आवाज़ उत्पन्न करता है। कहते हैं कालिदास कि राजा दिलीप उस बांसुरी की तरह हवाओं के द्वारा कीचक नामक बांस के बजने की क्रिया को सुन करके उनको अनुभव हुआ कि मानो जो है वन देवताओं के द्वारा लतागृहों में लताओं के इत्यादि के झुंड के समूह में ऊंचे स्वर में अपने यश गान को गाए जाते हुए सुना, ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि मेरा यश गान ये वन देवता लोग जो है कर रहे हैं। इसी के साथ यह रघुवंश महाकाव्यम का 9वां, 10वां, 11वां और 12वां श्लोक समाप्त होता है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें 13, 14, 15 और 16 श्लोकों के संस्कृत
श्लोकों के अर्थ को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।